हेलो दोस्तों, मैं हूँ भारती। भारतीयों क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना नारियल का ही कुछ बनाऊं, क्योंकि दीपावली के त्योहारों की वजह से ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाया मुझे। मुझे क्या, सभी लोगों को नहीं मिल पाया होगा जो हाउस वाइफ हैं, क्योंकि घर में काम ही इतने हो जाते हैं कि पूरे दिन हो जाता है और वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसी से कुछ बना लूं। तो घर पर नारियल रखा हुआ था, त्योहारों में तो वैसे ही सब क्या नारियल आते हैं, तो मैंने सोचा इसी का कुछ बना लूं। तो मैंने इस नारियल से एक छोटी सी प्यारी डलिया बनाई हुई है। तो ये मैंने कागज़ को रोल करके उसको गोल गोल करके इसमें चिपका दिया है ताकि नीचे एक स्टैंड जैसा हो जाए, क्योंकि ये इस तरह रखा नहीं रह सकता है, वो गिर जाएगा। तो एक सपोर्ट उसे मिल जाएगा तो फिर ये एक जगह रखा रहेगा। तो मैंने इसको कागज को चिपका दिया है इसमें, और मैंने इसमें कुछ मिरर का यूज किया है जो कि मुझे मोज़ेक आर्ट बनाना है इसमें। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसमें मोज़ेक आर्ट एक बार ट्राई करते हैं कैसी लगती है। तो मैंने इसमें मोज़ेक आर्ट बनाई है, बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो मैंने इसमें मिरर चिपका दिए हैं और ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको नारियल को छील देंगे, थोड़ा सा साफ कर देंगे सैंड पेपर से, तो ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाते हैं मिरर। और थोड़े से रेशे रह जाते हैं तो दिक्कत आती है, पर चिपक तो जाते ही हैं। तो मैंने ये सारे चिपका दिए हैं मिरर, और आपको आप चाहें कोई और भी डिज़ाइन निकाल दें। मैंने केवल सिंपल डिज़ाइन रखी है क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था है। एक तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ आज मैं। तो मैंने सोचा चलो नारियल ही दिख गया तो मैं इसी का ही कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने इसी का बनाया है, बहुत सुंदर सी डलिया लग रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये डलिया नारियल की है कि और किसी चीज़ की। ये बहुत सुंदर लग रही है। मैंने देखिए ये मिरर चिपका दिए हैं, थोड़े थोड़े से छोटे मिरर जो है बीच बीच में मैंने चिपका दिए हैं। इसके बाद मैं इसमें कलर कर भर दूंगी। वॉल पुट्टी, फेविकॉल और एक्रेलिक कलर है जो कि पीले कलर का मैंने यूज किया है कलर। तो मैंने इन तीनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना दिया है गाढ़ा सा और इसमें भर दिया है। आप चाहें कोई और भी कलर कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। और ये छोटी सी एक डंडी रखी हुई थी, डंडी क्या मतलब एक डिब्बा रखा हुआ था मिठाई का, तो उसी का मैंने ये काट लिया है क्योंकि मुझे ये बास्केट बनानी थी तो पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो मैंने ये कागज़ लगा दिया है मिठाई के डिब्बे का। आप चाहें कुछ और भी लगा सकती हैं, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या लगाऊँ। ये डिब्बा ही दिख गया तो मैंने इसी को उठा के लगा दिया। और थोड़ी सी मैंने मिरर डिज़ाइन भी इसमें निकाल दी है क्योंकि बिल्कुल सिंपल लग रहा था, तो सोचा डिज़ाइन थोड़ी सी निकाल दूँ। ये जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है बहुत ही सुंदर लगता है। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो देखते हैं इसी तरह मेरे वीडियो को, ये पूरा मिरर वर्क पूरा हो जाता है, फिर इसके बाद मैं कलर करती हूँ उसमें। तो मैंने ये सारे एक्रेलिक कलर लिए हैं, मतलब एक ही कलर लिया है येलो कलर, वो भी एक्रेलिक कलर ही है। तो आप बताइएगा देख के ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब जब आप यहाँ तक आ ही गए मेरी वीडियो को तो बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये देखिए मैंने डंडी में भी मिरर लगा दिए हैं क्योंकि ये अगर सिंपल लगती मैं तो बुरी लगती, इसलिए मैंने इसमें भी मिरर लगा दिए हैं। तो आप चाहें कोई भी डिज़ाइन के मिरर लगा लें। क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है तो थोड़ा सा कलर पेस्ट जो बनाया है मैंने उसे सूखने में थोड़ा सा टाइम तो लगा है, लेकिन ये सूखने के बाद ये जब देखा इसको तो बहुत ही प्यारा लग रहा था।
जब ये चिपक जाए पूरी मिरर, तो इसमें ये मैंने पेस्ट बना दिया है वॉल पुट्टी उसका, और इसमें मैंने ये लगा दिया है। जब ये पूरा लग जाए और हल्का सा सूख जाए तो इसको साफ कर देंगे, और जहाँ जहाँ मिरर है तो वो बिल्कुल अलग ही निकल के आ जाएंगे मिरर, और खाली जगह में ये पेस्ट बना रहता है, और देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।